एचएल टीवी न्यूज। प्रदेश के किसान विभिन्न मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हरपाल सिंह ने बताया कि किसानों की मांग है कि सरकार खराब फसलों का उचित मुआवजा दे, आवारा पशुओं पर रोक लगाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करें, किसानों का कर्जा माफ करें और बिजली की दरें कम करें। लेकिन प्रदेश सरकार किसानों की मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हरपाल सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जब तक किसानों की मांगों को पूरा करने का पक्का आश्वासन नहीं देती है, तब तक 5 जिलों के किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में किस प्रकार का कदम उठाती है, जिससे प्रदेश के किसानों के साथ साथ हर वर्ग को संतुष्ट कर सके। मांग लंबित मांगे हैं किसानों की, खेत मजदूरों की, खेती बर्बाद हो चुकी है, सरकार आश्वासन दे रही, बार बार उसका कोई ठोस हल नहीं कर रही। इसके खिलाफ आज हम मां पड़ाव करने शुरू जा रहे हैं। अगर सरकार ने इसका ठोस हल नहीं किया तो आज हम फैसला करके आए, अपना राशन पानी लेके आए हैं। आज के बाद मां पड़ाव शुरू होगा, जिसमें पहली मांग बर्बाद फसलों का मुआवजा, दूसरी मांग ये जो आवारा पशु है इसका स्थायी निदान हो, ये अपने घराने ने जो सांड छोड़ रखे हैं नुकसान करते हैं इंसानी और फसलों का भी, तीसरी मांग कर्जे के ऊपर लाइन फेरो, चौथी मांग मनरेगा शुरू करो और छोटे किसान की खेती के साथ भी मनरेगा को जोड़ो और इसके दिन 200 दिन करो, पांचवी मांग हमारी बिजली के बड़े बिल वापस करो, कर्जा माफ करो, कर्जा बोर्डों का गठन करो, सरकारी खरीद की खरीद सुनिश्चित करो। आप इन सभी मांगों को लेके हम यहाँ आज आए हैं। ये 5 जिलों के किसान फैसला करेंगे और दिशा तय करेंगे हरियाणा के अंदर कि राज लुटेरों के हाथ में रहेगा या किसान मजदूर इसको बदलने की अगले प्रयास करेंगे। हम इस वास्ते आज इकट्ठे हुए हैं, हमारी मांगों के लिए इकट्ठे हुए। हिसार से हलचल टीवी के लिए रमेश जाखड़ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।